क्वेश्चन में क्या गिवन है 13.8 के, कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। क्लियर, आपका जो डोम है बिल्डिंग का वो हेमिस्फीयर शेप में है, ठीक है, लाइक ये हो गया आपका। नाउ अब इसमें क्या बोला है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, इसे इनसाइड से व्हाइट वॉश किया है, कॉस्ट आपको दी है रुपीज कितनी 498.96, ठीक है, और एट द रेट, रेट आपको गिवन है रुपीज 498.96 ना पॉइंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और रेट हमें दिया रुपीज 2। नहीं नहीं 498.96 है, वो मिसप्रिंट होगा शायद उस पे। रुपी रेट आपको गिवन है रुपीज 2 पर स्क्वायर मीटर, यानी पर मीटर स्क्वायर हो गया आपका नाउ, पर स्क्वायर मीटर नाउ। अब उसके बाद इनसाइड एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द डोम बताना है। सो कॉस्ट यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेट इंटू एरिया, और एरिया यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। सो कॉस्ट हमें, कॉस्ट की वैल्यू हमने पुट की 498.96, रेट हमारा 2 रुपीज, और कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है बेटा। क्लियर, सो 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया, 498.96 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, दैट इज 249.48। ठीक है, ध्यान से 2 से डिवाइड किया आपने तो 249.48 आपका मीटर स्क्वायर में कर्व सरफेस एरिया आ गया डोम का। अब हमें क्या पूछा है, रेडियस ऑफ डोम भी पूछा है, सीधा सीधे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। सो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर शेप में ये, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², सो 249.48 इक्वल्स टू 2πr², ठीक है। अब यहां पे हमें r निकालने हैं, तो वहां से सारी वैल्यूज, यानी 2π को इधर डिवाइड में किया, सो 2 × π की वैल्यू 22/7, सो 22/7 जब हम पाई डिवाइड में कर रहे हैं तो 22 नीचे और 7 ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू r², ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, डेसिमल हटाया तो इंटू 100 और आ गया नीचे आपका, ठीक है। अब इसको पहले हमने 2 से कट किया, सो 1, 2, 4, 7 और 4, इसको मैं अगेन लिख रहा हूं ताकि आराम से हम डिवाइड कर सके, 1, 2, 4, 7, 4 इंटू 7 और नीचे बचे आपका 22 × 100, ठीक है। अब इसको अगेन 2 से कट कराया हमने तो 11 बचा नीचे और ऊपर 6, 2, 3, 7। अब चेक करो ये आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं हम, ऑड प्लेसेस को ऐड करना है बेटा, 6 और 3 को ऐड किया 9 और 2 और 7 को ऐड किया 9, 9 - 9 = 0, सो ये 11 से डिविजिबल है अगर इनका डिफरेंस 0 आता है तो। सो 11 से कट किया, 11 × 5 = 55, 7 बच गया 73, 11 × 6 = 66, 7 बच गया 77, 7 पे। सो अब आपका आ गया यहाँ पे r² = 567 × 7। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करना है, हमें रूट निकालना है यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको फैक्टराइज कर दें। 567 को हमने फैक्टराइज किया तो पहले ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सो कितना आ गया 1, 8, 26 = 8, 2 = 19। क्लियर, अब 189 आपको पता होगा किसका हो जाएगा, ये किससे कट ऑफ होगा, 7 से, या अभी फर्दर 3 से अगेन हो रहा है 6 और 3, अगेन 3 से 21, अगेन 3 7 7 1, सो 567 को हम लिख रहे हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7, और जो स्क्वायर था वो इधर लाके हमने रूट बना दिया बेटा। क्लियर, अब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं, सो 3 के 2 पेयर बन रहे हैं और 7 का 1 पेयर, सो r आ जाएगा आपका 3 × 3 × 7, सो r इक्वल्स टू 9 × 7 = 63, सो 63 मीटर आपका रेडियस आ गया। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें रूट निकालना था, अगर आप मल्टीप्लाई करते फिर आपको फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ती,
क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए बिना हमने फैक्टराइज कर दिया और फिर उसका रूट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो आर हमारा 63 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए, सो वॉल्यूम ऑफ डोम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 πr³। सो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपका 63, क्लियर। अब यहां पे 3 और 63 पहले कट गया 21, 7 3 21 ये कट गया आपके बेटा। नाउ अब ऊपर आपका 2 × 22 × 3 22 × 6 आपका हो जाएगा 132 और 63 का स्क्वायर अगर आप जल्दी निकाल सकते हो तो मुझे बताओ कितना आ सकता है। जो ट्रिक आपको बताई थी स्क्वायर निकालने के लिए कि 3 का स्क्वायर 9 हमने पीछे लिख दिया, ठीक है। नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 18 2 36 सो 6 3 कैरी 6 का स्क्वायर 36 36 में 6 ऐड कर दिया, सॉरी 36 में 3 ऐड कर दिया, सो 39 ये आ जाएगा आपका 3969 इसका स्क्वायर 63 का, क्लियर। चाहे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। नाउ 132 × 3969 आपको करना है। अब इसको करने के लिए मल्टीप्लाई किया सिंपली, 2 9 18 1 कैरी 2 6 12 13 2 9 18 1 19 2 3 6 7 3 से मल्टीप्लाई किया 3 9 27 सो 2 3 6 18 2 20 3 9 27 2 29 अगेन 3 3 9 और 2 11 और फर्दर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आप एज इज नंबर लिख सकते हो वही 3 9 6 9, ठीक है। सो आपका आ गया 8 3 7 10 1 कैरी 10 और 9 19 1 कैरी अगेन 8 और 9 17 17 और 6 23 2 कैरी 3 9 12 अगेन 1 कैरी 1 1 2 और 3 5 सो आपका आंसर आ गया 5 23908 मीटर क्यूब, क्लियर। तो इतना आपका वॉल्यूम ऑफ डोम आ गया।